माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं आज एक ऐसे गंभीर विषय डायलिसिस केंद्रों की संख्या में विस्तार करने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि देश में करोड़ों गरीब दर्दियों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के साथ साथ हाल में देखा गया है कि किडनी संबंधित बीमारी में डायलिसिस के दर्दियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। देश में हर साल 2,20,000 नए दर्दी बढ़ते रहे। दर्दियों की इस बढ़ती संख्या में देखते हुए हर साल 3,40,00,000 दर्दियों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। एक बार डायलिसिस की ट्रीटमेंट के लिए रुपया 2,000 से अधिक खर्च हो जाता है। ऐसे में किडनी के फेल्योर दर्दियों को वार्षिक खर्च में 3 से 4 लाख तक का खर्च होता है। भारत में करीब 5,000 डायलिसिस सेंटर है, पर ज़्यादातर निजी क्षेत्र के है और गांवों से दूर है। देश में गांव और छोटे शहरों के दर्दियों को डायलिसिस करवाने के लिए दूर और कभी कभी बड़े शहरों तक आना पड़ता है। डायलिसिस सेंटरों घर से दूर होने के कारण दर्दियों और उसके साथ रहने वाले अन्य व्यक्तियों को आने जाने का, भोजन और ठहरने का खर्च भी बढ़ जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के हर जिले में डायलिसिस सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य है, लेकिन अभी भी गांवों और छोटे शहरों में डायलिसिस सेंटर उपलब्ध नहीं होने के कारण किडनी के रोगियों और उसके संबंधियों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश में ऐसे डायलिसिस सेंटर की संख्या बढ़ानी चाहिए और इस अभियान में देश में स्वैच्छिक संस्थाओं, चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ को शामिल करके ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए। इन स्वैच्छिक संस्थाओं, चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ को राज्य सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल के पैटर्न पर जमीन, बिजली, जल जैसी सुविधा राहत दर से देनी चाहिए। आपके माध्यम से मेरा सरकार को ये भी अनुरोध है कि डायलिसिस प्रक्रिया के उपकरण को लिए आयात में सीमा शुल्क और अन्य कर की भी राहत देनी चाहिए। मुझे ये भी कहने में अत्यंत प्रसन्नता होती है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की तर्ज पर गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किए गए गुजरात डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत हाल ही में गुजरात में 92 से अधिक डायलिसिस सेंटर स्थापित किए गए। यही पैटर्न पर अन्य राज्यों को भी डायलिसिस का कार्यक्रम विस्तार करना चाहिए। देश के गरीब और मध्यम वर्ग के दर्दियों को डायलिसिस प्रक्रिया में होने वाले खर्च में राहत हो सके। राइट नरहरि जी।